हेलो गाइस, तो आज की जर्नी है 05104 जो कि है मड़वा डी से वाराणसी से गोरखपुर। मड़वा डी जो वाराणसी में आता है वहां से गोरखपुर के लिए जाती है। मड़वा डी में 5:30 बजे खुलती है और 11 बजे ये बेलथरा मऊ जखनिया और निहार होते हुए देवरिया होते हुए ये गोरखपुर जाती है। करीब करीब 11 बजे ये पहुंचाती है। तो ट्रेन जर्नी मैं आपको पूरी दिखाने वाला हूँ, वीडियो पे बने रहे। इस वक्त हम बेलथरा रोड रेलवे स्टेशन पे हैं, तो यहाँ से वीडियो स्टार्ट होने वाला है, तो वीडियो पे बने रहे और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं प्ले द मूवमेंट। इस ट्रेन में, इंटरसिटी ट्रेन में टोटल 18 बोगी है, 18 कोचेस है, जिसमें से 3 जो है एसी चेयर कार है, बाकी जो 15 डिब्बे हैं वो जनरल डिब्बे हैं। D1 से D15 तक आपको जनरल डिब्बे हैं और ये ट्रेन टोटल 250-230 किलोमीटर का एरिया कवर करती है, जो कि मड़वाडी से गोरखपुर जाती है। इस वक्त मैं D2 में ट्रैवल करने वाला हूं, तो मैं आपको अंदर की कोचेस दिखाने वाला हूं कि कैसे अंदर की सीट हैं, किस तरफ के आपको सीट मिलेगी अगर आप इस ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो। और मेरे इस तरफ देख सकते हैं आगे की तरफ एसी कोचेस है और ठीक इस पीछे पूरा ये जनरल डिब्बे हैं, जो कि सेकेंड सीटिंग जो इसको बोलते हैं। तो चलिए हम अंदर जाके देखते हैं। और आपने ये चीज एक नई देखी होगी, हर ट्रेन के एंट्री पे ये अपना इंडियन फ्लैग, जो अपना इंडिया का झंडा है वो, और ये इयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मास, तो स्वच्छ भारत मिशन के ये स्टिकर्स लगे हैं, तो ऐसे आपको मिल जाएंगे। बड़ा ही सुंदर लगता है ऐसा अपना देश का झंडा जब यहाँ ट्रेनों पे लगा होता है। ये D3 है और ये ठीक इसके बगल में बाथरूम है और आप अंदर अंदर यहाँ से D2 में भी आ सकते हैं। तो इस तरह की आपको सीटें मिल जाएंगी अगर आप सेकंड सीटिंग की टिकट बुक करते हैं तो। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस सीटिंग पे आपको 3 लोगों की बैठने की सुविधा है, तो 3 इस तरफ और 3 उस तरफ, इस तरह से आपको एक साइड में 6 और एक साइड में 6, 12, एक कंपार्टमेंट में 12 लोग की सेटिंग्स है। और आप ऐसे ट्रैवल करते हुए एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जा सकते हैं। दूसरे में आपको देख सकते हैं इसमें आपको चार्जिंग की सुविधा मिल जाएगी, मोबाइल चार्जिंग की सुविधा मिल जाएगी और ऊपर आप सामान रख सकते हैं। और नीचे मैंने एक चीज देखी, यहाँ पे आप पानी का बोतल भी रख सकते हैं। देखिए कितना सुंदर सा यहाँ पे दिया हुआ है, आपको जरूरत नहीं है कि आपके सामने ही रखना है, आपके नीचे आप पैरों के पास पानी की बोतल रख सकते हैं।
दोस्तों अभी हम गोरखपुर पहुंचे हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं घड़ी में हुए हैं 11:02। तो गाड़ी अपनी जो है इंटरसिटी वो राइट टाइम पे आ चुकी है और हम गोरखपुर पहुंच चुके हैं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो है दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है, मतलब प्लेटफॉर्म के हिसाब से। करीब इसकी लंबाई जो है 4,500 फीट है और ये 1930 में ओपन हुआ था और यहाँ से करीबन 2,00,000 यात्री हर रोज सफर करते हैं। तो गोरखपुर जब मैं आपको बाहर की साइड लेके जाऊंगा तो बाहर से आपको स्टेशन दिखाने वाला हूँ, उसके बाद हम यहाँ से गोरखनाथ मंदिर जाएंगे। गोरखपुर जो है गोरखनाथ के नाम पे ही इसका नाम पड़ा था, गोरखपुर। तो वीडियो पे बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दे दोस्तों। तो ट्रैवलिंग और जर्नी वाली जो वीडियो है, ट्रेन की जर्नी वाली वीडियो, जो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। और आपने जो मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा होगा, जो कि मैं गोरखपुर टू मुंबई बाई फ्लाइट गया था, बाई एयरप्लेन गया था, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप जरूर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये है गोरखपुर स्टेशन, रेलवे स्टेशन, और ये काफी बड़ा है, काफी सुंदर बनाया गया है। और सामने अपने देश का झंडा। तो रेलवे स्टेशनों के बाहर जब ये झंडा लगता है तो काफी सुंदर लगता है रेलवे स्टेशन।